दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसमें इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग सल्तनतकालीन जो शासन व्यवस्था है उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसका अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखें कि बीए तृतीय वर्ष की क्लास में हम लोग उपस्थित हैं, जिसका हम लोगों का अध्ययन करना है। इसमें इतिहास विषय का अध्ययन करना है, जिसमें इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और यह प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है, इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र का, वह है दिल्ली सल्तनत की यानी भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास 1200 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। इस पेपर के अंतर्गत हम लोग जो चैप्टर है हम लोगों का आज का, जो यानी सल्तनतकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे, और उस चैप्टर से हम लोग शासन व्यवस्था यानी सल्तनतकालीन जो शासन व्यवस्था है उसके प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अब देखें कि इसको पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि हम सल्तनतकालीन जो शासन व्यवस्था है उसके सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। तो हम लोग देखें कि जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है ये भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का श्री गणेश है। यानी इससे पहले हिंदू जो राजनीतिक प्रणाली भारत में विकसित थी, लेकिन जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की या भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया, तो यहाँ पर जो प्राचीन जो शासन पद्धति थी उसको उसके स्थान पर मुस्लिम शासन पद्धति को स्थापित किया गया। अब मुस्लिम शासन पद्धति क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जानते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जो दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था है उसके प्रमुख सिद्धांत क्या होंगे। तो जो जब इस्लाम की स्थापना हुई, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की स्थापना की यानी जो मुस्लिम धर्म स्थापित किया, तो फिर एक उसका समाज बना। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक्चुअल में एक राजनीतिक संगठन का विकास नहीं किया, उन्होंने एक समाज का निर्माण किया जो उनके विचारों का अनुयायी था। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये हुआ कि जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम धर्म है, इसका विस्तार यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो बाद के जो नेतृत्व करता हुए जो इस्लाम के नेतृत्व कर रहे थे, जिनको हम पवित्र खलीफा कहते हैं या बाद के जो खलीफा हैं, जब उनके काल में इस्लाम का विस्तार हुआ यानी क्षेत्रगत विस्तार हुआ, और क्षेत्रगत जब विस्तार हुआ तो फिर वहाँ व्यवस्था कायम करने के लिए राजनीति का उसमें राजनीति व्यवस्था इम्पोज कर दी गई। इम्पोज करने के पीछे कि जो समाज है, जो धर्म है और जो विजित क्षेत्र हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए और वहाँ के लोगों पर कैसे शासन किया जाए, इसी को लेकर के इस्लाम में राजनीतिक सिद्धांतों का समावेश हुआ। लेकिन एक्चुअल में इस्लाम में दो चीज़ें आरंभिक अवस्था में नहीं हैं, एक सल्तनत जो हम लोग शब्द सुन रहे हैं और दूसरा सुल्तान। यानी सुल्तान और सल्तनत की जो विचारधारा है ये बाद में डेवलप होती है, पहले नहीं थी। तो बाद में क्या हुआ कि जब खलीफा के काल में क्षेत्रगत विस्तार हुआ इस्लाम का, बड़े एक इसके अंतर्गत डेमोग्राफी आ गई, और तब आ गई तो फिर उसकी व्यवस्था के लिए राजनीतिक सिद्धांतों की संरचना हुई, और संरचना हुई तो उसका जो आरंभिक बेस है वो कुरान है। यानी जो इस्लाम धर्म के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसका जो मेन बेस है, अर्लीस्ट जो फीचर है, वो इस्लाम कुरान पर आधारित है। तो अगर कुरान पर आधारित है तो अब ये माना गया कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कुरान में जो संदेश है, जो उनके विचार उसमें लिखे गए हैं, वही इस्लामिक समाज के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों जो व्यवस्थाएँ हैं उसको संचालित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बाद में देखेंगे लोगों को लगा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार सिर्फ कुरान के आधार पर ही शासन नहीं चलाया जा सकता, इसमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तब उन लोगों ने, जैसे भारत में जो हिंदू शासन व्यवस्था है उसमें धर्मशास्त्रकार, ध्यान देंगे धर्मशास्त्रकार, उन्होंने समय समय पर समाज और राजनीति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो उपयोगी सिद्धांत थे
उसकी रचना किया। उसी तरह मुस्लिमों में भी धर्मशास्त्री उत्पन्न हुए और उन्होंने जो राजनीतिक विचारधारा है उसको व्यवस्थित किया और उसके नए नए सिद्धांतों को गढ़ा। तो इस तरह इस्लाम में आरंभिक अवस्था में राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट नहीं है, ये विचारधारा बाद में विकसित हुई और विकसित हुई तो ये जो ईरान के क्षेत्रों तक आते आते एक कंप्लीट जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें वो ढल गया। और जो ढल गया तो वही राजनीतिक सिस्टम धीरे धीरे भारत में भी क्या हुआ कि इम्पोज हुआ, यानी तुर्कों के साथ वो भारत में आया और भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो पुरातन जो प्राचीन जो हिंदू राजनीतिक व्यवस्था थी उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था आई जिसे हम इस्लाम सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था कहते हैं। इस शासन व्यवस्था में भी देखें तो उसके मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इसका मतलब सल्तनतकालीन जो शासन व्यवस्था के सिद्धांत है वो इस्लामिक शासन के सिद्धांत है, यानी चूंकि शासक तुर्क थे और तुर्क भी अपने धर्म और संस्कृति के प्रति दृढ़ निश्चय वाले थे और वो भारतीयों के चूंकि पूरी व्यवस्था भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको ये एक्सप्लाइट नहीं कर सकते थे। जो कहने का मतलब है कि जो राजपूत कालीन व्यवस्था थी या हिंदू व्यवस्था थी पूरी उस व्यवस्था को ये चिन्ह नहीं कर सकते थे तुर्क, तो जब भारत आए तो कहीं ना कहीं इन पे भारतीय जो राजनीतिक प्रणाली है उसका भी प्रभाव पड़ा। तो जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो इसमें मुस्लिम जो राजनीति के सिद्धांत हैं, मुस्लिम राजनीति के सिद्धांत ये भी शामिल हैं, ये मुख्य सिद्धांत हैं। और दूसरा जो यहाँ भारत में राजनीतिक पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी यानी हिंदू राजनीतिक व्यवस्था उसका मिला जुला रूप है, यानी कहने का मतलब कि दोनों का ये मिला जुला रूप है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। लेकिन अब शासन व्यवस्था चूंकि सल्तनतकालीन है और शासक तुर्क हैं और उसका जो बेस होगा वो इस्लाम होगा तो इसलिए ये हिंदुओं से ज़्यादा डिफरेंट है। सिर्फ हिंदू जो शासन व्यवस्था है उसका इस्लामिक जो शासन व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन ये निरपेक्षता अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक जो प्राचीन इस्लामिक सिद्धांत हैं या तुर्कों ने जिन सिद्धांतों को विकसित किया उसी के आधार पर दिल्ली सल्तनत में शासन किया गया। तो अब देखें कि इसके सिद्धांत क्या हैं। ये तो हमने देखा कि जो मुस्लिम राजनीतिक सिद्धांत हैं वो भारत कैसे पहुंचे और भारत पहुंचने से पहले उनका क्या फीचर था, सेम वही दिल्ली सल्तनत में कैसे इम्पोज होता है। तो अब देखें कि जो धार्मिक राजनीतिक सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत है धर्म प्रधान राज्य। तो हमने बताया कि चूँकि इस्लाम एक कट्टर विचारधारा है और उसको हमने बताया कि जो कुरान है सभी अपनी व्यवस्थाओं का जो स्रोत माना गया है इस्लाम में वो कुरान को माना गया है, तो कुरान एक धार्मिक ग्रंथ भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई तो इसमें धर्म को प्रधानता दी गई, यानी जो सरासरियत इज्मा और कयास जो मुस्लिम सिद्धांत हैं राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत हैं कानून हैं उसी के आधार पर इस दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो अब चूंकि धर्म प्रधान राज्य है इसमें धर्म को वरीयता दी गई, यानी शासक और शासित कभी भी मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट जा करके कोई काम नहीं कर सकते थे, जो भी काम करते तो उसी के इर्द गिर्द घूमते या उसी के साए में बने रह करके वो अपने कामों को चलाते थे, चाहे कानून हो चाहे प्रशासन हो चाहे न्याय हो चाहे राजस्व व्यवस्था हो। अब देखें कि आरंभिक अवस्था में हमने बताया तो कुरान को बेस माना गया सल्तनत काल में भी, और लेकिन बाद में जब समय परिस्थितियों के अनुसार जो मुस्लिम धर्म शास्त्रकार हैं जैसे हिंदुओं में याग्लक हैं मनु हैं इसी तरह इनमें भी जो हनीफ हैं सरफी हैं मावर्दी हैं अबू यूसुफ और मलिक ये प्रसिद्ध इस्लामिक सिद्धांतों के रचनाकार हैं, इन्होंने बाद में राजनीतिक सिद्धांतों को इस्लाम में जोड़ा जो समय और परिस्थितियों के अनुसार शासन को चलाने में मददगार सिद्ध हुए। तो इस तरह एक धार्मिक राज्य का स्वरूप है, यानी जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है वो धर्म पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल धर्म पे है। इसमें हम देखेंगे जो शासन के जो सिद्धांत हैं उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो इस्लामिक यानी धार्मिक जो बेस है
यानी मैक्सिमम जो शासन का पार्ट है वो इस्लाम पर आधारित है, लेकिन चूंकि हिंदू जनसंख्या भी अधिकांश है भारत की, तो उन पे भी शासन सुल्तान करता है। तो जब शासन सुल्तान करता है तो कहीं ना कहीं वो जवाबित कानूनों का प्रयोग करता है। जवाबित कानून भी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के शासन के आधार रहे हैं, क्योंकि अधिकांश रियाया पर मुस्लिम कानूनों के आधार पर शासन नहीं किया जाता। इसीलिए सुल्तानों ने राजगामिता कानून या जवाबित कानून को भी कहीं ना कहीं प्रशासन का या राज्य का अंग बनाने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि समय समय पर इसमें कमी या ज़्यादा होती रही। जैसे फिरोज शाह के काल में आए तो पूरा सरासरियत पर आधारित पूरा शासन व्यवस्था लागू कर दिया उसने, जितने टैक्सेशन थे, न्याय व्यवस्था थी। लेकिन वहीं अलाउद्दीन के काल में आइए, मोहम्मद बिन तुगलक की आरंभिक अवस्था में आइए, तो आप देखिए कि धर्म जो है राज्य की नीतियों को कम से कम प्रभावित करता है, ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, और राज्य की जो नीतियां हैं वो समस्त रियाया के लिए हैं और एक तरह से धर्म निरपेक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला रूप चलता रहता है पूरा दिल्ली सल्तनत में। अब हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए एक सम्राट की कल्पना की गई है, यानी कहा गया है कुरान में कि पूरे मुस्लिम जो समाज है उसका एकमात्र जो मालिक होता था, एकमात्र जो बादशाह होता था वो अल्लाह होता था। ध्यान देंगे इस बात को कि जो पूरा मुस्लिम साम्राज्य है, पूरा मुस्लिम समाज है, उसका एकमात्र और मालिक और बादशाह अल्लाह होता था। चूंकि अल्लाह ने अपने संदेशों को विश्व में अपने दूतों के माध्यम से फैलाया, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह चूंकि अपने स्वयं शासन नहीं करता है, तो उसने जो अपने विचार थे उसको पूरे विश्व में अपने दूतों के माध्यम से पहुंचाया, और वे जो दूत थे वो पृथ्वी पर लाए, यानी पैगंबर तक लाए, यानी जो अल्लाह के दूत होते थे अल्लाह के संदेश को पैगंबर तक लाते थे। तो अंतिम जो पैगंबर हैं वो मोहम्मद साहब हैं। इन तक जब अल्लाह का संदेश आया तो चूँकि अल्लाह के संदेश का प्रसार पैगंबर मोहम्मद साहब करते हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हैं या अन्य इमाम या सुल्तान बनते हैं वो लोग अल्लाह के संदेशों को प्रसारित करते हैं। तो अगर अल्लाह के संदेशों को प्रसारित करते हैं तो कुरान में कहा गया है कि सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य है या उनका प्रमुख कर्तव्य है कि वह अल्लाह के आदेशों को माने। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह के आदेशों को माने या कुरान में जो बातें कही गई हैं उसे वो स्वीकार करें, उसे डिनाई ना करें। तो चूंकि अल्लाह के संदेश पैगंबर तक पहुंचे, खलीफा तक पहुंचे, इमाम और सुल्तान तक पहुंचे, तो जिस तरह अल्लाह के संदेशों को, अल्लाह के जो निर्देश हैं उसका मुस्लिम समाज डिनाई नहीं कर सकता, उसकी अवहेलना नहीं कर सकता, उसी तरह इन पैगंबर और खलीफाओं के भी आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर खलीफा के आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो वह अल्लाह के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। इसीलिए जो का ये व्यवस्था बन गई कि आरंभिक अवस्था में कि पूरा जो मुस्लिम समाज है उसका जो धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख है वो खलीफा होगा या पैगंबर होगा। तो खलीफा और पैगंबर के आदेशों का उल्लंघन करना वो मुस्लिम अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए थोड़ा सा जो धर्म का प्रभाव है इस्लामिक राजनीतिक सिद्धांत में वो ज़्यादा है। अब देखें कि खलीफा इस तरह क्या बन गया कि जो इस्लामिक समाज है, जो इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था है उसका हेड बन गया। लेकिन जब इस्लाम का बड़े क्षेत्रों पर विस्तार हुआ, उसके अंतर्गत ढेर सारे क्षेत्र शामिल हुए, तब खलीफा में ये क्षमता नहीं रह गई कि वो पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। तो दो तरीके थे, एक तो खलीफा के नेतृत्व में इस्लाम का विस्तार हुआ और दूसरा स्वतंत्र रूप से इस्लाम को मानने वाले लोगों ने इस्लाम का विस्तार किया। तो समस्या ये आई कि ये खलीफा ही अकेले कैसे इतनी व्यवस्था चला पाएगा। तो जिन लोगों ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया उसे खलीफा ने शासक के रूप में स्वीकार कर लिया या गवर्नर के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन वो अधीन किसके हैं? खलीफा के, क्योंकि खलीफा राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक जो नेता है, सर्वोच्च नेता होता है इस्लामिक समाज का। तो अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार कर लिया,
तो खलीफा के अंतर्गत ही माना जाएगा और वो खलीफा द्वारा ही नियुक्त माना जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत में परंपरा देखेंगे, जब सुल्तान को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सुल्तान शब्द का कैसे विकास हुआ अगली वीडियो में, और फिर वो कैसे कैसे मान्यता लेते हैं अपने पद का, और ये चीज़ें आएंगी जो अगली वीडियो में हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करें। अब देखिए, आज्ञा पालन पर बल, यानी शासक चूंकि किसका प्रतिनिधि होता है, अल्लाह का प्रतिनिधि होता है, और अल्लाह के आदेश का कोई अवहेलना नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता तो इसमें कहा गया है कि शासक जो होता है वो पवित्र धार्मिक जो निर्देश होते हैं उसी के अनुसार शासन करता है, और इसलिए उसके आदेश को सभी को मानना होता है। लेकिन अगर कोई शासक, इसमें ये व्यवस्था है मुस्लिम जो शासन के सिद्धांत है उसमें ये व्यवस्था है कि अगर शासक पवित्र धार्मिक निर्देशों के अनुसार शासन नहीं करता है तो उसे ईश्वर दंड देगा, यानी अल्लाह जो है उसे दंडित करेगा, और अगर दंडित भी करेगा, और जनता जो है, जो इस्लामिक जनता है, वो शासक को हटा भी सकती है, यानी उसे पदच्युत कर सकती है। इसलिए मुस्लिम समाज में आज्ञा पालन पर, यानी शासन व्यवस्था में आज्ञा पालन पर भी बल दिया गया। दूसरी बात, उलेमाओं का प्रभुत्व। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उलेमा कौन होते हैं। उलेमा जो मुस्लिम धर्म है उसके जो सिद्धांत हैं उसके व्याख्याकार हैं, यानी ये जो इस्लाम के जो सिद्धांत हैं, धार्मिक सिद्धांत हैं, उसके व्याख्याकारों को हम उलेमा कहते हैं। तो जो आरंभिक जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है, चूँकि उसका आधार धर्म है, इसलिए उलेमाओं का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, और ये लोग शासक और जो शासित हैं उनके बीच मीडिएटर का काम करते हैं। मीडिएटर का मतलब कि अगर शासन के सिद्धांतों की व्याख्या वो शासक के हित में करते हैं, और कभी कभी अक्सर अपने हित में करते हैं, और जब अपने हित में करते हैं तो शासक को ये सीधे प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? क्योंकि जनता को ये शासक के विरुद्ध भड़काने का भी काम करते हैं, इसलिए शासक पर इनका सीधा नियंत्रण हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि जो उलेमा हैं इनको शासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, इनके विचारों को शासक स्वीकार करता है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद वान तुगलक या कुछ ऐसे शासक हैं कि जो कहीं ना कहीं खलीफा जो उलेमा हैं इनके महत्व को शासन में उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका सीधे पकड़ जनता पर होता है, क्योंकि ये धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। और इसीलिए उलेमाओं का भी सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखिए, इमाम या सुल्तान का निर्वाचन। तो जो इस्लाम है इसमें जो शासक होता है, ध्यान दीजिएगा, इमाम यहाँ शब्द आया है। ये इमाम कौन है? ये राजनीतिक नेता, जो राजनीतिक नेता होता है उसे इमाम कहा जाता है, राजनीतिक नेता। तो ध्यान दीजिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो इस्लाम धर्म का नेतृत्व करता है उसका निर्वाचन होता था, बाद में उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाएंगे इमामों के द्वारा, ये परंपरा बाद में डेवलप हुई, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था है वो माना जाता है कि जो शासक है, इमाम है, उसकी नियुक्ति जो सुन्नी भ्रातित्व भावना है उसके आधार पर होती थी, यानी उसका चयन मिल्लत नामक संस्था करती थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो इमाम है या सुल्तान है उसका निर्वाचन कौन करता है? मिल्लत करता है। और ये माना जाता था कि ये मिल्लत क्या करती थी कि जो सच्चा सुन्नी मुसलमान होता था, जिस पे लोगों को आस्था थी कि ये सच्चरित्र व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, उसमें जो प्रभुसत्ता के जो सिद्धांत थे या शासक की जो शक्तियाँ थी उसको आरोपित कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि ये मिल्लत है और ये नामक व्यक्ति को योग्य समझती है, तो जो प्रभुसत्ता है यानी शासन की शक्ति है इस व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र कर देती, और जब ट्रांसफ़र कर देती तो ये व्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित माना जाता। बाद में क्या हुआ कि ये भी हुआ, एक सिद्धांत ये भी आया कि नहीं, ठीक है, अगर मिल्लत करती है, सभी जनता शासक का चुनाव नहीं कर सकती, उसमें भाग नहीं ले सकती, तो ये भी नियम बनाया गया कि अगर एक या अगर 50 व्यक्ति भी अगर किसी को शासक स्वीकार कर लेते हैं तो उसे शासक निर्वाचित मान लिया जाएगा, या एक व्यक्ति भी अगर स्वीकार कर लेता है तो भी उसे निर्वाचित मान लिया जाएगा, या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह शासक बन गया
और उसका नाम अगर खुतबे में शामिल कर लिया जाए, खुतबा एक धार्मिक वचन था जिस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे, तो खुतबे में शामिल कर लिया जाए तो भी उसे शासक मान लिया जाए। अगर शासक बन गया और दरबारियों ने उसका अभिवादन कर लिया तो भी वो निर्वाचित मान लिया जाएगा, यानी जिस भी तरीके से सुल्तान चुना जाए या इमाम चुना जाए उसे निर्वाचित मान लिया जाएगा, उसे किसी न किसी का समर्थन हो या अधिकांश जो अधिकारी हैं दरबारी हैं उनका उनको सम्मान देते हों उसका अभिवादन करते हों। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब धीरे धीरे ये परम्परा आगे बढ़ी, तो जब आगे बढ़ी तो उसमें एक चीज़ दिखाई देती है कि जो खलीफा बाद के जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा हुए पवित्र खलीफा, उसके बाद अब्बासी खलीफा, ढेर सारे जो खलीफा हुए, तो उन्होंने देखा कि अपने उत्तराधिकारी यानी खलीफा का चयन सीधे कर देते थे अपने जीवन काल में। उसी तरह दिल्ली सल्तनत में भी देखेंगे कि शासकों ने अपने उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी का चयन अपने काल में ही करना शुरू कर दिया था। अब अगर ऐसा करना शुरू कर दिया था तो फिर निर्वाचन की परंपरा क्या हुई, धीरे धीरे शिथिल हो गई। जैसे इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी रजिया का नाम निर्देशित कर दिया, तो इसी तरह हम लोग देखेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं दिल्ली सल्तनत के शासन के सिद्धांत, वो इस्लामिक राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर रचे गए थे। इस तरह हम लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण क्या क्या सिद्धांत हैं सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के। आगे हम लोग जो शासन व्यवस्था है सल्तनत काल में सुल्तान से लेकर के यानी केंद्र से लेकर के प्रांत तक और सभी चीज़ों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।